व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो इस सीएफएल लैंप के रिपेयर के बारे में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोई सनलाइट या इस तरह का कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये लैंप है और इसका जो फ्रंट वाला ग्लास पोर्शन है, ये वाला, ये टूटा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ ये आपको टूटे हुए ग्लास के पीसेस नज़र आ रहे हैं, बाकी का ग्लास टूट चुका है। तो इसकी रिपेयर हम करते हैं। इसकी रिपेयर का तरीका ये है कि आपको एक ग्लास एलिमेंट चाहिए, जो कि ये है, शीशा इसको कहते हैं, ठीक है जी। और इसकी ट्यूब है, वो आपको चाहिए। और ट्यूब हम इसमें फिक्स करेंगे और कनेक्ट करेंगे। ट्यूब की चार तारें होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी चार तारें हैं। तो इनको कनेक्ट करेंगे अपनी अपनी जगहों पर, तो तब ये जब लग जाएगा तो फिर ये रोशन होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो सर्किट हो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वो दुरुस्त होना चाहिए। अगर वो दुरुस्त होगा तो ये ट्यूब काम देगी, रोशन होगा ये बल्ब, अदरवाइज़ इसका भी रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब हम इसको खोलते हैं। तो खोलने के लिए ये है कि छोटा स्क्रू ड्राइवर ले के ना, तो कोई भी टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर जो भी आपके हाथ में है तो वो ले लीजिए, और इस तरीके से करके ना थोड़ा थोड़ा करके आराम से इसको खोल लीजिए। इस तरह से जब खोल लेंगे तो कभी तो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, लेकिन इस सूरत में काफ़ी कंजेस्टेड है। और सर्किट को देखिए, सर्किट साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। कभी कभी साफ़ सुथरे में भी ख़राब हो जाता है, लेकिन अक्सर केसेस में बहुत बुरी तरह से जल चुका होता है जो ख़राब होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि नोज़ प्लायर के ज़रिए इसकी ये जो कनेक्शन है ना, इसको उतारते हैं। इसमें चार कनेक्शन लगे होते हैं, चार तारें होती हैं ये ट्यूब की, जो कि ये चार पिनों के ऊपर इन्होंने लपेटी होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम इनको जो है तो निकालते हैं, एक एक करके इसमें से निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक को निकाल लिया। अब इसी तरीके पे ये दूसरी को भी निकाल लेंगे। दूसरी भी निकल गई। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी हद तक अलग हो चुका है। अब ये वाली साइड का की बारी आती है, इसको भी निकाल लेते हैं इसी तरीके पे, इस तरह से। और इसको भी इस तरीके पे खींच के अलग कर लीजिए। अब करना ये है कि जो ये इसके बकियात हैं शीशे के, इसको यहाँ से हम तोड़ेंगे, अलग करेंगे, फिर इसमें नई ट्यूब लगाएंगे और फिर इसके साथ कनेक्ट करके हम उसको जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं उनको तोड़ता हूँ। तो तोड़ने का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस आराम से जो है तो कोई चीज़ लेके, नोज़ प्लायर या प्लास या जो भी है आपके पास, या स्क्रू ड्राइवर, उसकी मदद से आप इसको तोड़ सकते हैं। बस सिर्फ अपनी उंगलियों का ख्याल रखिएगा इस काम में, क्योंकि ये शार्प एजेस जो हैं शीशे के, ये ख़तरनाक होते हैं। तो ऐसे करके अभी तमाम शीशा जो है इसका कांच वो तोड़ दीजिए। अपनी आंखों को भी इससे बचाइए, सेफ्टी ज़रूरी है, पर्सनल सेफ्टी होनी चाहिए। और इसके बाद तो इस तरह से यहाँ से भी तोड़ देते हैं, जो कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जो है तो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से करते हुए बस ये है कि उस वक्त तक हाथ ना लगाइए जब तक इसमें शीशे के बाकियात हैं। ये एक इसकी एहतियात है, बाकी का सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसे ग्लू वगैरह से मैंने चिपकाया हुआ है, जो कि अभी तक गीला ही है, नरम है, कहने का मतलब
अब जो है तो किसी भी चीज़ की मदद से, जैसे कि मैं इसको इस कटर प्लायर की मदद से साफ़ कर रहा हूँ, अब इस तरह से करके नोज़ प्लायर वगैरह की मदद से इसको और भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए, ताकि कोई बाकियात ना रहें पुराने, और नई ट्यूब इसमें आराम से फिट की जा सके। अब साफ़ हो गया, ठीक है, जब हम नई ट्यूब इसमें लगाते हैं तो नई ट्यूब की चारों तारें पहले इसमें दाखिल कीजिए, उसके बाद ट्यूब को आराम से इसमें फ़िक्स कीजिए। ठीक है जी, ये ट्यूब इसमें फ़िक्स आ गई है। अब इसको इस तरीके पर रख के ना तो ग्लू कर देंगे। ग्लू आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग सुपर ग्लू इस्तेमाल करते हैं सोडे के साथ, कुछ लोग इसका स्पेशल ग्लू इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है तो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास ये ग्लू है जो कि लकड़ी वगैरह के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये इस वक्त अवेलेबल है मेरे पास, तो इस वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा ग्लू निकाल के यहाँ पे जो है तो लगा दीजिए, दूसरे साइड को भी लगाइए। ग्लू मैंने लगा दिया, अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस ग्लू को सेट कर दीजिए इस लैंप के और जो प्लास्टिक का पोर्शन है वहाँ पे, को अच्छे से सेट कर दीजिए ताकि ये इसको पकड़ ले। अच्छा, इसका अपना ग्लू भी 100 रुपये की बस आपको बाज़ार में अवेलेबल है, वो भी आप ख़रीद के लगा सकते हैं, लेकिन वो जिनका ज़्यादा काम है उनके लिए ठीक है, और जिनका थोड़ा काम है वो सुपर ग्लू वगैरह 10 रुपये का वो लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 1, 2, 3 बल्ब लग रिपेयर करने तो उसका तरीका ये है। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया, अब इसको सेटल होने देंगे, कुछ देर के लिए रखेंगे, और फिर जब ये सेटल हो जाएगा तो फिर बाकी की कनेक्शन वो मैं आपको दिखाता हूँ, और बल्ब को इंशाल्लाह चला के दिखाऊँगा। तो इस तरीके से ये कुछ 1, 2, 3 घंटे में सेट हो जाएगा। ये ग्लू इसके ऊपर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इसमें खुश्क हो गया है, तो इस तरीके पे ये अच्छी तरह से इसको इसने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, और ये अब हिलता नहीं है। तो ये ग्लू का मकसद ये होता है कि ये हिले नहीं, ये जो कांच है इसके अंदर, इस कवर के अंदर, इस बॉडी के अंदर हिले नहीं। अच्छा, अब ये जो 2 तारें 4 तारें निकल रही हैं, इसके लिए हम जो है तो ये वाला जो स्लीव है, ये स्लीव 1 मिलीमीटर का स्लीव है, आसानी से दस्तयाब है बाज़ार में, 2-3 रुपये की वजह आप इसको ले सकते हैं, एक बड़ी लेंथ। तो ये मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ इन तारों के ऊपर, ताकि ये इंसुलेट रहे। ये इंसुलेशन के पर्पज़ के लिए होती हैं, इसका मकसद ये है कि तारें आपस में शॉर्ट ना हो, तो छोटे छोटे टुकड़े, ये 1 इंच से भी छोटा टुकड़ा है, ये काट के ना तो इस तरह से इसके ऊपर हम डाल लेंगे। अब ये जो हैं ये तारे आपस में इंसुलेट रहेंगी, अगर ये अंदर मिल भी जाएं कांच के अंदर तो भी ये शॉर्ट नहीं होंगी आपस में। तो इस तरह से करके अभी यहाँ ग्लू लगी है, इस वजह से ये पूरी तरह से दाखिल नहीं हो रहे, पर उसको हम जो है तो थोड़ा सा साफ़ करके डाल लेंगे। ये एक भी लग जाएगी ये वाली तो भी शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि वजह क्या है कि आपस में इन्होंने शॉर्ट होना है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये तार के ऊपर चूँकि ग्लू लग गई है इस वजह से, लेकिन ये ख्याल रखना कि यहाँ इसको जोर ना लगे, क्योंकि ये टूट सकता है, इसका वैक्यूम टूट गया तो बेकार हो जाएगा। तो इस नज़रिए से हम इसको इस पर चढ़ा देंगे इस तरह करके। ठीक है जी, ये हो गया, अब हमारा इंसुलेट हो गया ये कांच और इसकी कनेक्शंस, और अब इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह पकड़िए। ठीक है जी, और फिर जाना इसको इसके करीब कीजिए, बहुत ज़्यादा करीब लाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना हो कि वायर्स आपस में टच ना करें, और फिर उसको उसी तरीके पे
इसके तारे पकड़ के ना, तो हम इन पिनों पे इनको घुमा देंगे। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाला चक्कर नहीं होता, पोलैरिटी नहीं होती, क्योंकि एसी पावर है इसके अंदर, इसलिए जो है तो पोलैरिटी का कोई चक्कर नहीं होता। तो इस तरह से करके आप घुमा लीजिए और इतना घुमाइए कि इसकी ये तार का सिरा बड़ा ना रहे, ताकि साउथ वाले पॉइंट पे टच ना करे या किसी और कंपोनेंट को टच ना करे। तो इसको इस तरीके पे करके हम इसको लगा देते हैं, अच्छे से टाइट करके चढ़ाइए, ताकि बाद में लूज़ कनेक्शन इस तरह के मसले मसाले ना बने। दूसरे साइड को भी एग्जैक्टली यही कर देते हैं। अभी चूंकि छोटा हो गया, एक साइड लग गई है, तो थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ सकती है। तो ये लगाने से पहले हम ये अंदर वाली पॉइंट लगा लेते हैं, वो ज़रा मुश्किल है। अब इसको नोज प्लेयर की मदद से पकड़िए और बल देते जाएं। तो इस तरह से ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अब हम ये आप देख सकते हैं, ये हमारे कनेक्शन हो गए और दूसरे साइड की ये कनेक्शन हो गए, और तारे आपस में टच नहीं कर रही क्योंकि इंसुलेट हैं आपस में। इस वजह से जो स्लीव चढ़ाया था हम लोगों ने, इस वजह से आपस में टच नहीं करेंगी। अब जो है तो इस बल्ब को बंद कीजिए, अपने लॉक्स में बिठाइए इस तरह करके। अब हम इसको जो है तो टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग का मरहला आता है, टेस्टिंग का तरीकाकार यह है कि इसको बल्ब को आराम से रखिए, लैंप को, और एक ऐसी तार लीजिए इस तरह की, ठीक है जी। इसको सप्लाई में लगाइए 220, अगर आपके पास एसी बोर्ड है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी ठीक है, एहतियात करनी है। और आराम से इसकी जो पावर है वो लेके तो इस बल्ब को लगाइए, देखिए इसको रोशन होना चाहिए। अच्छे से लगाता हूँ, अब देखिए ये बल्ब रोशन हो गया। कैमरे पे आपको फ्लिकर करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन असल में फ्लिकर बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल सही इसकी रोशनी है, ठीक है जी, और बिल्कुल सही रोशन होता है आपके सामने। तो ये बल्ब इस तरीके पे हमने सही कर दिया है। अब इसको बिजली में से निकाल लेते हैं तार को, और ये आपका लाइट बिल्कुल ठीक हो गया, और उम्मीद है कि ये एक अच्छी सर्विस लाइफ जिस तरह नए बल्ब की होती है तो वो ये देता रहेगा। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, मैं ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें सर्किट की मरम्मत और दूसरी से रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे। ये आपने कांच की तब्दीली देख ली, अब हम सर्किट के बारे में भी एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखने के लिए शुक्रिया, देखते रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें।